सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजातरीन खबरें। माननीय सचिवराज सावंत जय हो, माननीय सचिवराज सावंत जय हो। लोकप्रिय नेता, लोक नेता, हम सभी के प्रिय मनीष रिग्रेजी नाइक साहब उपस्थित हैं। हम सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। मैं आज इस अवसर पर, समय कम है लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि अपने विचारों को हम सभी को आशीर्वाद स्वरूप देने का कष्ट करें। 21 तारीख को आवाज कम करो, महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। बेलापुर 150 जिसका नंबर है
वासे ऐरोली लगातार 2019 और 2014 में ऐरोली की जनता ने संदीप नाईक को पहला विधायक बनने का मौका दिया। देश में विचारों का परिवर्तन हुआ और कई प्रमाण में हो रहा है और देश चारों तरफ से यानी चारों दिशा से यानी जहाँ पे डिफेंस हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, एजुकेशन, हेल्थ, सभी बातों में आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहा है। अपने नियुक्त में महापालिका तो पूरे देश भर में स्वच्छता में 2 नंबर आया और साफ सफाई में नहीं स्वच्छता में 7 नंबर आया और रहने लायक सिटी में 2 नंबर आया। अभी मैं यही बोलूंगा कि भाई आरोग्य सेवा, शिक्षण सेवा, वाहतूक, इसमें नई मुंबई का नाम और कॉरपोरेशन के हिसाब से बहुत अच्छा है और इस अवसर पर जब मैं अभी खड़ा रहा हूँ, जिस स्थिति में खड़ा रहा हूँ, अरे ये नहीं बोलो और आज यादव नगर में मैं आया हूँ तो मेरे साथ उपस्थित एम आशीष यादव नगर सेविका, संध्या यादव, विकास झंझाट जो विजय मिश्रा और तुम्हारा भी नाम बोला नचिकेत पाल और सभी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और RPI के सभी कार्यकर्ता जिसमें त्रिभुवन सिंह, राज जयसवाल, अभी आगे जो के नाम देखिए मैं एक बोल रहा हूँ कि ये इलाका मेरे लिए नया नहीं है। लगातार 90 से लेके विधायक बना, 95 में बना, 2004 में बना, 3 बार इस इलाके के लोगों ने मुझे अपनेपन की भावना से वोटिंग की है। हालांकि मैं इस बार में उम्मीदवार हूँ लेकिन अगला उम्मीदवार संदीप नाईक रहने वाला है, ये मैं आज ही बोल रहा हूँ और ये भी मेरी इच्छा तो थी नहीं, आप सबको मालूम है, क्योंकि मेरे राजनीति में मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे किससे कुछ किसी भी पार्टी से, पार्टी नंबर 1 में था, 2 नंबर में, अभी 3 नंबर, बात ऐसी समाज के लिए काम करना, मन से काम करना, यही भावना अपन रखी है। अभी मोदी जी के नेतृत्व में देश दुनिया भर में अपने देश का डंका लगा रहे कि नहीं और अपने अमित जी शाह जो केंद्रीय मैंने भाजपा के देश भर के अध्यक्ष है, भारत के देश अध्यक्ष है, उन्होंने गृह मंत्री लेने के बाद कश्मीर में इन्हें जनता में एक आत्मविश्वास पैदा किया है। अभी यहाँ देवेंद्र जी फडणवीस भी बहुत चौकन्ना होकर इस इलाके में मतलब महाराष्ट्र की कोंकण हो, मुंबई हो, पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ, खानदेश में और इसी कड़ी में अभी नई मुंबई में 3 ही काम बड़े बचे हुए, गांव के लोगों ने अपने जरूरत से बनाए हुए मकान को कानून के तौर पे उसको अंजाम देना, झोड़पट्टी इलाके में SRA के माध्यम से सबको अच्छे रहने लायक मकान देना और सिडकों ने बनाए हुए जो मकान है जो टूटे फूटे हुए हैं जिसको हमेशा बढ़ा देने के उनका भी स्वास्थ्य रहने वाले यानी सेफ्टी इलाके में उनको मकान देना, यही बड़ा काम आपने सामने है। बाकी आप तो सब जानते हैं इधर क्या था, इधर चलने के लिए जगह नहीं थी, रामाशीष यादव के बाद में संध्या ने फिर भी यहाँ पे रोड, गटर, मीटर, वाटर, लाइट, पानी, ये सब चीज का बंदोबस्त हुआ है। आगे चल के तो मैंने बोला कि भाई इस नगर को अच्छे बिल्डिंगों में इसका रूपांतर करने के लिए ये आने वाले 5 साल महत्वपूर्ण है। मैं आज सुबह बनकोड़ा गांव, खेरना गांव,
और कई कॉलोनी के इलाके में गए, आप यकीन मानो सभी धर्म जात पंथ वर्ण और पक्ष के लोग भी इतने दिल से वहां पे उतरे जो मुझे बधाई देने के लिए। यारों सब लोगों ने ठान लिया है कि उस दिन 5 बजे उठेंगे, 6 बजे पूरा सिस्टम देके 7 बजे से लाइव लगाएंगे और 12 बजे तक मेजोरिटी वोटिंग करके हम लोग बुरे लगे तो भले तुम्हारे तुमको जो अच्छा लगा उस वोट दो, लेकिन वोट दो, ये लोकशाही में तुम्हारा बहुत बड़ा हक है और ये लोकशाही का जागरण बहुत खुशी से मनाना चाहिए। मैं यकीन से बोलूँगा 21 तारीख को चुनाव होगा, 24 को रिजल्ट लगेगा, उसके बाद में दिवाली लगेगी, उस दौरान आप लोगों को धन्यवाद देने के लिए मैं पक्का आऊंगा। जय हिंद, जय भारत। नवाबने आलेला प्रत्येक नागरिकाला याच्यामध्ये सामावून घेण्याचे काम केलं।
आणि त्याच्यामुळेच आज कुठल्याही प्रकारचा मतभेद नाही, कुठल्याही प्रकारची द्वेष भावना नाही, फक्त देश मजबूत करण्याची भावना त्यांच्या आणि तुमच्या मनामध्ये आहे, म्हणून आपण सर्व या ठिकाणी एकत्र जमलेलो आहोत. मित्रांनो, खऱ्या अर्थाने येणाऱ्या 21 तारखेला, कारण दादा आपण सुरुवातीला बेलापूर मतदारसंघातून आमदार होतात, बेलापूर मतदारसंघ म्हणजे काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत एवढा मोठा या देशात मतदारसंघ नव्हता. हा मतदारसंघ तुम्ही त्या ठिकाणी काबीज केला, त्याचा विकास केला, त्याच्यानंतर अख्ख्या नव्यांमध्ये 2 विभाग झाले. परंतु आम्ही ऐरोलीकर थोडे दुखी होतो. आता आमदार साहेब हे दुःख जे आहे लोक या ठिकाणी बोलायला लागले, परंतु दादा तुम्ही आल्यामुळे या ठिकाणी नाईक साहब आप यहाँ पर आए हैं, आपके आने से निश्चित रूप से हमारे मन में एक अलग प्रकार की चेतना यहाँ पर निर्माण हुई है. इसका मतलब यह नहीं कि हमारे आमदार साहब ने यहाँ पर कुछ किया है. आपको किसी भी हालत में 21 तारीख तक जागरूक रहना है, किसी भी प्रकार का वायरस. नमस्कार, आने वाले 21 तारीख को इलेक्शन है और ऐरोली मतदार संघ जिसका नंबर 150 है, इस मतदार संघ से भाजपा, शिवसेना, RPI और घटक पक्ष का प्रत्याशी के तौर पे मुझे यहाँ पे इलेक्शन लड़ने की एक बारी आ गई, मौका मिला. हालांकि सबको मालूम है कि ऐरोली विधानसभा से संदीप नाईक को लड़ना था, लेकिन संदीप नाईक ने ही मुझे बताया कि आप इलेक्शन नहीं लड़ोगे तो हम लोग भी राजनीति से हट जाते हैं. सभी परिवार के लोग, दोस्त और नई मुंबई के सभी कार्यकर्ता और मुझे चाहने वाले सभी लोगों के आग्रह के खातर यहाँ से चुनाव लड़ने का मैंने फाइनल कर दिया. जब आज मैं इन 2 वार्ड में प्रचार की रैली निकाल रहा हूं, तो उस वक्त उपस्थित ऐरोली के पहले आमदार विधायक संदीप जी नाईक अपने नई मुंबई के भूतपूर्व महापौर सुधाकर जी सोनावने, नगर सेविका रंजना सोनावने, भूतपूर्व नगर सेविका गौतमी सोनावने, यहाँ का युवक का जो अपना चौकन्ना नेता राजेश सिंह मड़वी, अपने यानी वंचित लोगों के लिए आगे आगे बढ़ के जिन्होंने लीडरशिप किया, हमारे अभंग जी शिंदे, मिश्रा जी, मिश्रा साहब, श्री संजय जी, एवं भाजपा, शिवसेना, RPI के सभी कार्यकर्ता भाई और बहनों, मैंने देख लिया कि बारिश हो रहा था, फिर भी महिला लोग भी पीछे नहीं हटे, महिला लोग भी लगातार रास्ते में चलते रहे. पत्थर रास्ते में कई के जगह पे गड्ढे थे क्योंकि बारिश भारी होने से गड्ढे बने, फिर भी किसी ने पानी उड़ जाएगा, हो जाएगा, अपना रास्ता चलना छोड़ा नहीं. अभी उसी ढंग से अभी देश में परिवर्तन हो रहा है. देश में रहने वाले, देश से प्रेम करने वाले किसी इंसान को मन में भय रखने की जरूरत नहीं. वो कौन से भी धर्म का हो, कौन से भी जात का हो, कौन सी भी भाषा का हो, वो कौन से भी वर्ग का हो, झोपड़ी में रहने वाला, गांव में रहने वाला शर्मिंद निर्भयता के साथ ही शर्मिंद रहना चाहिए. अपने सुधाकर जी सोनानी जी कहा कि भाई संदीप नाईक ने लगातार 2 टर्म में अपने शक्ति और बुद्धि लगा के इस मतदार संघ का काम करने का प्रयास किया. अभी इस शहर के बारे में मुझे पत्रकार ये अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, प्रिंट मीडिया वाले पूछते हैं दादा अभी क्या बचा है. हालांकि देखा जाए तो नई मुंबई और शहरों से बहुत आगे गई, लेकिन मेरा मन का जो दुख रहा था कि जिन गांव वालों ने अपने जरूरत से गांव में मकान बनाए उसको अधिकृत करना और अच्छे
स्वास्थ्य के साथ में, निर्भयता के साथ में उनको वहाँ रहने के लायक परिस्थिति बनाना, ये मेरा पहला काम है। साथ ही साथ झोपड़पट्टी इलाके में जो लोग रहते हैं, मुंबई में एसआरए के लिए चार पैसा मिलकर मुंबई की झोपड़पट्टी के रहने वाले लोगों को अच्छे मकान मिले, ये 5 साल में उसको अंजाम देना है, पक्का अंजाम देना है। सिडको ने बनाए मकान जो गलने लगे, वहां से दीवार से पानी आने लगा, सीपेज एंड लीकेज, कई लोग तो रहने लायक इमारत में नहीं रहते हैं, वो लोगों को लिए 2.5 पैसा, गांव के लिए 4 पैसा। अभी इसके लिए 21 तारीख को इलेक्शन है, 24 को काउंटिंग है, और मैं यकीनन से बोलूंगा कि ये 5 साल में पूरी समस्या का रास्ता निकाल के बाद में आने वाले 2024 का इलेक्शन रहेगा। बोल रहे बाबू ये 2024 के लिए ऐरोली से विधायक रहेगा संदीप नायक, उम्मीदवार नहीं, 24 में संदीप नायक यहाँ का विधायक रहेगा। उम्मीदवारी तो सबको मिलती है, उम्मीदवार दीवार पे नाम अभंग जी लटक जाते हैं, और उसके ये 5 साल के अंदर जो गांव के लोगों का दुख दर्द है, झोपड़ी वासियों का दुख दर्द है, कॉलोनी में रहने वालों का दुख दर्द है, ये सब दुख दर्द के लिए हाई लेवल पर मंत्रालय से रिटायर्ड हुए सचिव लोगों को, नगर विकास में काम किए हुए एडीटीपी टीपीओ सब लोगों को ये स्थिति है, ये समस्या है, इसमें से कैसा रास्ता निकाला जाए ये आप लोग हमें बताओ। और मैं यकीनन से बोलूंगा कि गणेश नायक विधानसभा में जाएगा तो उस विधानसभा में ये तीनों समस्या का हल निकालने की पक्की ताकत रखेगा, मैं विश्वास लेकिन मैं एक बोल रहा हूँ कि लोग क्या बोलते हैं, अभी कुछ नहीं, बहुत हल्का हो गया, हल्का नहीं है। जिस दिन हर इंसान खुद को सुरक्षित समझता है उसी दिन उसका खतरा शुरू हो जाता है। हमेशा चौकने रहो, अलर्ट रहो, मैं तो बोलूंगा कार्यकर्ताओं से सुधाकर सोनोने को कोई एडवाइस करने की जरूरत है ना किसी, ये सब वो रास्ते बहुत बार चल चुके हैं, सब खतरों से खेले हुए, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा इतने चौकन्ने रहो कि उस दिन 5 बजे कार्यकर्ता उठने चाहे 6 बजे तैयारी करके बूथ में लोगों को एक 7 बजे से लगा कतार लगा के 12 बजे तक 80-90% जो होने वाला वोट पूरा खत्म होना चाहिए। आपके पूरे मेहनत के बदौलत, जैसे सुधाकर सोनोने जी ने कहा कि आज तक की मेरी 50 साल की समाज सेवा की पूरी के लिए यात्रा पूरी हो गई, अभी ये 15 साल तो मैं पालक मंत्री था, लेकिन अब के बाद जो 5 साल जो आप लोगों के माध्यम से मैं विधायक बनूंगा, ये 5 साल के बाद में एक ऐसा काम नहीं रखूंगा कि जो लोगों के मन में छुपे। और फिर से एक बार बोलता हूँ मैं, इस इलाके के सभी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं के मार्गदर्शन के साथ में बहुत भारी मेहनत करेंगे, और 21 तारीख का वोट और 24 तारीख का काउंटिंग के बाद अपन वापस मिलेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।